हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मिंट एंड लेमन स्क्वैश, जिसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ही एक लाजवाब रेसिपी बनेगी और इसका सारा सामान आपके घर में ही मिल जाएगा। और आप एक बार बना लेंगे तो ये 15 दिन तक आप फ्रिज में रख के इसको स्टोर करके चला सकते हैं 15 दिन तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट है मिंट, पुदीना। और इस पुदीने को मैंने 1 इंच अदरक के साथ ग्राइंड कर लिया, इसमें अदरक भी डाल के इसको पीस लिया। 1 कप शुगर, ये घर में एक कटोरियाँ होती हैं उसी से मैंने नाप के दिखाया है, जिससे कि। और पानी, सादा नमक, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, काला नमक, लेमन, नींबू एंड ये 1 इंच अदरक, जिसको कि मैंने पीस लिया था पुदीने के साथ। अब हम पैन में अपना शुगर, 1 कटोरी शुगर को हमने डाला और 1/2 कटोरी पानी डाला। अब हम इसको थोड़ा बॉईल होने देंगे 1-2 मिनट के लिए। इसके बाद हमने जो मिंट एंड अदरक का पेस्ट बनाया था इसको हम डाल देंगे, इस सिरप को इसके साथ, चीनी और पानी के साथ। आपको बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है, अगर कुछ मोटा उसमें आ जाए तो आप निकाल दीजिए। और अब हमें इसे 10-15 मिनट तक बहुत अच्छी तरह पकाना है और बीच बीच में चलाते रहना है। हमें इसके थिक कंसिस्टेंसी बनानी है। और इसमें अब हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर, सिंपल सॉल्ट 1/2 टीस्पून, ब्लैक सॉल्ट 1/2 टीस्पून। इसको मिला के हम इसको बॉईल के लिए रख देंगे। अब 15 मिनट्स बाद हमें इस तरह का इसका कंसिस्टेंसी मिलेगी। ये देखिए, हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस इसका ऐसा पेस्ट हो तैयार करना है जिसकी बस चिपकने लग जाए, ये जैसे हनी होता है इस तरह से बन जाए। ये देखिए, अब जब हम इसको 5 मिनट बाद ठंडा हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें 1 कटोरी लेमन का जूस डालेंगे जो कि हमने छान लिया था। 4 लेमन का जूस हम निकाल के और इसमें डालेंगे। लेमन का जूस डालने के बाद इसको सिरप को हमें पकाना नहीं है, बस इसको मिक्स कर देना है। और जब ये कूल हो जाएगा तो हम इसे बॉटल में भर देंगे। अब हम इसका रेडी करते हैं ड्रिंक, कैसे बनाना है। सबसे पहले ग्लास में हमने 4 क्यूब्स डाले आइस के, 5 स्पून ये सिरप डाला जो हमने मिंट एंड लेमन से बनाया है। अब हम चिल्ड वाटर डालेंगे इसमें 1 ग्लास एंड उसको स्पून से मिक्स करेंगे अपने सिरप एंड पानी और आइस क्यूब्स को अच्छी तरह से। और हम फिर कटे हुए स्लाइस से इसको डेकोरेट करेंगे पुदीना से। तो रेडी है हमारा अपना इतना अच्छा ड्रिंक। आई होप एंड विश कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ईट हेल्दी टू स्टे हेल्दी विद टेस्टी बाइट्स। थैंक यू।